दीदी कह रही थी कि इसको आलू मुड़ी खाना है, घर में आईपीएल आईएसएल सब चल रहा है एक साथ। मेरी अपनी दीदी बाहर की दीदी, पैसा जमा करना जाना पड़ेगा, तो 150 लगाई मुझे। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फाइनली मम्मी ने बना दिया है बिना लकड़ी का सपोर्ट से। तो मैं तो कल रात में देखा था ना आप लोगों ने कि वो लकड़ी ढूंढने गया था, मैं और ब्लेकी मिलकर दोनों काशी आ रही थी, मैं और ब्लेकी ढूंढने गया था लकड़ी बोल के। तो मुझे कॉलेज के लिए निकलना पड़ेगा, तो मैं और दीदी जा रही है सिर्फ, मैं और ये वाला दीदी, तो वाला दीदी तो नहीं पता जाएगी कि नहीं, फिर फटाफट से काम करके ये वाला दीदी, वो वाला दीदी, कौन सा दीदी, मेरी दीदी, घर वाला दीदी, कॉलेज वाला दीदी, दीदी दीदी, मेरी अपनी दीदी, बाहर की दीदी, बहुत सारा दीदी है ना। लेकिन अभी मैं कपड़ा पहन लेता हूँ फटाफट से, दूसरा वाला ऐसा कपड़ा में जाने से तो अंदर भी कुछ नहीं देंगे फिर। सो वी आर रेडी टू गो। तो ये बैग में लेके जा रहा हूँ मैं, द कॉल ऑफ द ब्लू। तो मैं सोच रहा था कि इसको आज उद्घाटन कर लेते हैं, यार टाइम ही लग गया, इट्स ऑलमोस्ट लाइक हाफ एन आवर। तो अभी डिपेंड होता है कि सर है कि नहीं, तो दो बार तो चला गया हूँ मैं, अभी लास्ट देखते हैं। पहले मैं जेरोक्स कर लेता हूँ, फिर जेरोक्स करने के बाद सीधा क्लास जाएंगे। तो अभी नहीं पता कि आज भी सक्सेसफुल हो पाएंगे कि नहीं हम उस मिशन पे जो कि हम दो दिन से लगातार आ रहे हैं। तो आज मिला के 3 दिन हो गया है, तो लेट्स सी, अंदर जाके पता चलेगा। सो लेट्स गो। तो ये कुछ ऐसा रहा अभी बीबीएस कॉलेज का मतलब अपडेट। तो ये हमारे सर जी, अब देखते हैं क्या होता है। गुड मॉर्निंग सर। अभी जो है मुझे पहले पैसा जमा करना जाना पड़ेगा, तो 150 लगाई मुझे। तो ये जो मोटर के सामने एक बैंक है इंडियन बैंक करके, तो वहीं पे जाके, तो दीदी को मैंने यहाँ पे बुला लिया है कि यहाँ पे स्कूटी रख लो आप बोल के। अभी वहीं पे जाते हैं, फिर आके वो बुक के साथ करके देना पड़ेगा सर को। तो लेट्स गो। तो आज तो मतलब हो ही जाएगा काम, मुझे इतना कॉन्फिडेंट है, ऑलमोस्ट हो चुका है 90%। अभी सिर्फ 10% वो बैंक में जाके आना पड़ेगा। तो फाइनली गाइस हो चुका है काम। सर ने मुझे बोला था कि आप मंडे आ जाओ, मैंने बोला कि सर मंडे तो मेरा काम रहता है, तो मैं नहीं आऊँगा, मैं नेक्स्ट डे आ जाऊँगा। तो सर ने बोला ओके। तो अभी फाइनली अभी नेक्स्ट मंडे आते हैं, अभी फाइनली नेक्स्ट सैटरडे आते हैं। तो कह रही थी कि इसको आलमुड़ी खाना है, तो नहीं पता आलमुड़ी वाला भैया है कि नहीं। तो ये हमारा ना अड्डा रहता था पहले, है ना। तो इसको भूख लग रहा है, तो ये कह रही थी कि आलमुड़ी खाऊंगी बोल के, लेकिन नहीं है आलमुड़ी वाला। उते बिल्डिंग उते वोलर का उस दिन जो रिकॉर्ड करा था ना मुझे, वो वाला जो लाल पट्टा लगाया है ना, वहाँ से था वो। इधर में आईपीएल आईएसएल सब चल रहा है एक साथ। अभी सीधा जाते पोलो, पोलो से थोड़ा सा सामान लेना है, फिर सामान लेके हम सीधा निकल जाएंगे घर की। तो थोड़ा सा भूख लग रहा था, तो फिर मैं और दीदी ने सोचा कि यूनिक आगे खाते हैं कुछ। दीदी ने तो दो ढोकला मंगाया है और मैंने फिर पनीर रोल, तो मेरा वाला पक रहा है अभी, तो ये खा रहा है। पहले वाला भी आ चुका है, लेकिन बहुत ही गर्म है अभी। तो मैंने पहले भी खाया था, ये बहुत झाल होता है और ऐसा गर्मी में झाल। मैंने दीदी से बोलिया फिर कि लस्सी ऑर्डर कर लो, दीदी बहुत गर्म लग रही है, लेकिन गर्मी कितना भी हो ये स्वेर स्वेर निकलने नहीं वाला। पुरा तान खत्म पारिस और थोड़ा सामान लेना है, तो गर्मी के कारण सुस्ती लग रहा है मुझे। तो दीदी को देखना कैसा करके आ रहा है, तो मैं स्कूटी लेने आया था, तो अभी और सामान लेना जाना है वहाँ पे। आने के साथ साथ उस वक्त से अभी तक मैंने कुछ किया नहीं जो मतलब ब्लॉग में दिखाने वाला है, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। तो आवाज़ सुन रहे हैं आप किचन से आ रही जो, तो वहाँ पे मतलब केक बनाने के लिए वो चल रहा है, प्रिपरेशन कर रही मम्मी और दीदी मिलके। तो ये रहे, तो मम्मी अभी अंडा घोल रही है, तो कंसंट्रेशन से लगी हुई है मम्मी। अगर इसमें ध्यान नहीं दूंगी तो कैसे होगा, नहीं होगा ना। तो मुझे तो बस खाने मिल जाए बाद में, वो ये रहेगा। वो केक भी पक चुका है, तो मैंने टेस्ट किया था, तो ये सिंपल बिना क्रीम वाला केक बनाई दीदी और मम्मी ने। तो मैं सोचा था कि मैच एंजॉय कर करके खाऊंगा, बारिश के कारण मैच अभी रुक चुका है। देखो भाई हेलीकॉप्टर। ओके गाइस, नेक्स्ट ब्लॉग मैं सो जाऊंगा, अगर यार नींद नहीं आता तो मोबाइल में देखेंगे, कोई बात नहीं।
चलिए नेक्स्ट वीडियो में।